ठीक है, सो गुड यार, बहुत ही क्रंची है, फ्रेशनेस है और जो एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है यार, मैंने बहुत टाइम बाद मतलब आई थिंक पहली बार टेस्टी सैंडविच खा रहा है। बहुत मतलब बहुत अच्छा है। तो अगर दोबारा आना सिर्फ ये पीने तो आएगा 30 रुपीज। फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट चैनल हंग्री मॉन्स्टर। सो आज हम लोग हैं BTM में ही, अपने BTM में। तो यहाँ पे एक नया स्ट्रीट फूड कैफ़े खुला है तो हम उसको कवर करने आए हैं। अगर लोकेशन की बात करें, ऐसे जैसे आप इस साइड आते हो गली के अंदर बंसरी स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे है ये ऑलिव स्ट्रीट फूड कैफ़े। अभी जो शटर आधा डाउन है बट फिर भी भीड़ पूरी है अंदर। सो अभी चल के देखते हैं क्या खाते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रीट फूड है तो सब कुछ जंक ही खाएँगे। सो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सो ये कुछ ऑफर्स वाली चीज़ें हैं, 49 रुपीज़, 69 रुपीज़ में। सो अंदर चलते हैं और ये इनका प्यारा सा एम्बियंस है, देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। सो अभी क्लीनिंग चल रही है बट ये इनका एम्बियंस है, कितना मस्त जगह है ना मोटे। सो ऑलिव स्ट्रीट फूड कैफे, लोकेशन एक नंबर मस्त। तो चेकआउट करते हैं हम लोग क्या क्या ऑर्डर करते हैं। लोगों में ना मैंने सीरियसली इनका क्रेज़ देखा, अभी शॉप खुली भी नहीं है और लोग भीड़ आने शुरू हो गए। वीकडेज में भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो हम देखते हैं क्या है ऐसा और प्राइजेस एकदम नॉर्मल है। सो पहले मैं आपको इनका मेन्यू दिखाती हूँ। तो ये है मिल्क शेक जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रेट पर है। देन इट इज़ थिक शेक्स, फिट लिस्ट जो है इनकी। ये क्रीमी शेक है, ये फ्रेश फार्म जूसेस है, आइसक्रीम्स। सो हम पॉज करके चेक कर सकते हैं सब कुछ। और पीछे भी है तो ये इनका ईटरीज है जो पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत मस्त लग रहा है ना। सो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो मेन्यू है इनका, ये जो यंग जनरेशन उनके लिए है और यहाँ पे बहुत ही हमने देखा यंग क्राउड है। यंग क्राउड ही आएगा कि मेन्यू बिल्कुल ऐसे बनाया गया है ना। सर्विस सिंस 1995 में भी इनके ये आउटलेट पहले भी होंगे हमेशा नहीं पता। जी जी इनके तो ये सेम है, बॉस ने चेक करते हैं। अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, बताते हैं आपको हमने क्या ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे भी एक और अवार्ड वेट कर रहा है इनका। ये सिक्स्थ आउटलेट है, राइट? दिस इज़ द फिफ्थ आउटलेट। बैंगलोर में ये सारा, बैंगलोर में दूसरा है, बैंगलोर में दूसरा कमला। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इनका टाइमिंग जो है डेली 12:30 to 11:30 एंड फ्राइडे 1:30। ओके, सो आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। सो देखते हैं अभी। सर आपका गुड नेम? सुकेश। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी जैसे 1:30 ये खुला है एंड दिस मच क्राउडेड सर, तो इनका थोड़ा किचन दिखाती हूँ मैं बाहर से। तो एकदम साफ सुथरा किचन सर। वो नॉन वेज बन रहा है वहाँ पे, दैट इज स्टीक, वहाँ पे स्टीक बन रहा है और यहाँ पे सब कुछ रेडी है। यहाँ पे परोठा सिक रहे हैं टोटल। यहाँ आउटलेट है और इनकी एक चीज़ अच्छी है कि तुम बैठ जाओ और वो नंबर देख के अपने आप ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा। इनकी एक चीज़ और अच्छा है पता है, ये जैसे ये नंबर दिया हमारा 24, सो ऑर्डर जो है वो यहीं पर प्लेस हो जाएगा। सो हमने क्या क्या ऑर्डर किया और क्या प्राइस है कुछ? तो ये रहा हमारा ऑर्डर। फर्स्ट है चीको परोठा रोल, इसमें चिकन वाला है। चिकन ये पड़ा मैं 40 का। ग्रिल वेज लेज मिक्स परोठा, ये 59 का। ये ग्रिल वाला लेज वाला, ये वेज है? ये वेज है। ये रफेलो, ये शेक है, ठीक है, ठीक वाला है, ठीक शेक है, वो नहीं था, क्या कहते हैं, फेरो रोशन नहीं था। ओके, तो ये पड़ा 129 का। मिंट लाइम ने बोला सॉल्ट एंड स्वीट एंड सॉल्ट 30 का। वेज पेटी सैंडविच ही पड़ा है 69 का। तो ऑलमोस्ट वी पेड अराउंड 343 इंक्लूडिंग द GST। ये देखिए ये फर्स्ट आइटम हमारा है वेज पेटी सैंडविच जो 69 का था। ये देखिए, तो ये इसका फर्स्ट लुक देखिए। और
आलू की पैटी और ये मेयोनीज वगैरह लगाया हुआ है और इसके दो लेयर है, नीचे लेयर में लेट्यूज है और वही सॉस है हल्का ही। सो अभी मैं इसको खाती हूँ, पहले विदाउट केचप खाऊंगी। Yummy. It tastes so good यार, बहुत ही crunchy है, freshness है और जो एक अच्छा सा taste आ रहा है यार। मैंने बहुत time बाद मतलब I think पहली बार का taste sandwich खाया है। मैं पहली बार, मैं हमेशा केचप खाती हूँ हर चीज के साथ, इसलिए मुझे केचप तो दूसरा पीस ले सकता है। कैसा लग रहा है मुझे ना, क्या क्या इसमें? हाँ अच्छा, जो हल्का क्रंची बना रहा ना, हाँ प्याज का रहा है, लेट्यूस का रहा है क्रंची बना, वो टिक्की बहुत अच्छी बहुत टेस्टी है ना। सो पहली चीज़ तो हमारी तरफ से पास है, इसको ख़त्म करते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। सो ये अभी हमने हमारा मंगाया रुफेलो, रुफेलो वो होता है जो फेरेरो रोशर की तरह वाइट कलर की चॉकलेट होती है, उसका वो है। फेरेरो रोशर भी था बट वो नहीं मिला। ये स्वीट एंड सॉल्टी लाइम जूस है, स्वीट एंड सॉल्टी क्या है, मिंट लाइम। सो ये पड़ा मुझे, ये जो शेक है ये पड़ा मुझे रुफेलो 129 एंड वो पड़ा 30 रुपीज़। कितने पड़ा मुझे? 40 का रोल, परोठा रोल, ये रोल है, रोल दिखते ही इसका रोल खोलते हैं। 40 रुपीज़ में चिकन रोल मिल रहा है, एकदम एफिशिएंटली फॉलो कर। अच्छा अंदर कुछ तो डाल रखा है ना, ब्लेज दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर क्या क्या लेयर है। तो ये लेयर देखिए अंदर, ये नॉर्मल परोठा है, अंदर क्रंची होती ना। हाँ अभी तो प्रोडक्ट ये करा रहा है आदि मारिया का है, अंदर चिकन विकन है, बॉडी लग टेस्टी रहा है, हल्का में ना जैसे ये चटनी है ना, ये क्या बोलते हो म्यूनी, ऐसे म्यूनी और होनी चाहिए मुझे, कम लग रही है अंदर जाकर देखता हूँ अंदर है कि नहीं, और ये थोड़ी कम लग रही है। तूने ऊपर से बाइट लिया ना, मैं भी बाइट लिया, देखता हूँ एक बाइट और देता हूँ। सब कुछ अच्छा है, हल्का सा म्यूनी थोड़ी ज़्यादा होता है तो हल्का क्रीम बन जाता है, क्रंची बना रहा है, चिकन का स्वाद आ रहा है, बस क्रीमीनेस थोड़ा कम है, थोड़ा कम है बाकी अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अभी मेरा मिंट मिंट लाइम जूस, मिंट लाइम थोड़ा ठीक है, था देखता है बिल्कुल ऑसम, ये बहुत अच्छा बहुत मतलब बहुत अच्छा। तो अगर तक दोबारा आना सिर्फ ये पीने तो आएगा 30 रुपीज़। मेरा है ग्रिल्ड वेज लेस मिक्स पराठा, तो इसमें लेस वगैरह लेस का वो बनाया हुआ मिक्स वेज। अच्छा लेस है ना, मैं उसका लेस का सैलड बना के वेजिस के अंदर से सॉस का डाल के परांठे को ग्रिल किया है, खा गया था, जो कि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं जगह से प्यार हो गया, इतना टेस्टी है, जैसे मेरे को पसंद है क्रिस्पीनेस है, लेस का तीखापन है, करारापन है, वेजेज है, आलू है, फ्रेशनेस है और ये सॉस भी है। वाओ, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 10/10। और कितने का पड़ा मुझे ये? 59 रुपीज़ का, तो वर्थ ही है। और ये है मेरा शेक, फेलो ये फ्रेंड रोशर का ही भाई बहन समझ लो, बट एक नंबर। तो मेरी तरफ से इस जगह को मैं 10/10 देती हूँ, मुझे इतना पसंद आया जगह खाना, फिर ख़त्म करते हैं बाद में, फिर वीडियो एंड करते हैं। सो हमने तो अपना खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है ये,
कोई भी अगर आप लोग BTM आ रहे हो या BTM से बाहर से BTM में ही रहते हो तो ऑलिव ज़रूर आइए, बंसरी के जस्ट अपोजिट स्वादिष्ट से अंदर रहते ही। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखते रहिए हंग्री मॉन्स्टर।